हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट किया है सिटीजनशिप के लिए, इसमें उन्होंने जो हमारे पड़ोसी तीन पड़ोसी मुल्कों से आए हुए जो माइग्रेंट्स हैं, छः रिलीजियस कम्युनिटी के, इन लोगों को एप्लीकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन दिया है। अब इसमें एक बार इन्होंने वापस रिलीजन को ऐड कर दिया है कि मुस्लिम्स को छोड़कर बाकी छः माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हर कोई जानता है कि CA में भी इन्होंने यही कोशिश किया था, धर्म को सिटीजनशिप में लाने के लिए कोशिश किया था, और इसकी वजह से हम देखते हैं बहुत मुखालिफत हुई। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी बहुत सारे पेटिशंस मौजूद हैं जो CA को चैलेंज कर रहे हैं, और CA के रूल्स अभी तक बने नहीं हैं। तो इसके बीच में ऐसा एक नोटिफिकेशन लाते हैं, और इस नोटिफिकेशन में भी धर्म का इंक्लूड किया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के कंप्लीट मुखालिफ है, इसकी कंप्लीट अगेंस्ट है, और इस चीज़ को लीगली चैलेंज करना ज़रूरी है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसको लीगली चैलेंज करेंगे। दूसरा जो है ये चीज़ वापस एक कम्युनल कार्ड बीजेपी खेल रहा है। हर कोई जानता है किस तरीके से कोविड को बीजेपी ने मिसमैनेज किया है, लोगों में कितना एक गुस्सा है, कितना आक्रोश है, यहाँ तक कि बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं वो भी बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। तो अभी लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी क्या कर रहा है कि कम्युनल गेम खेल रहा है। ये बीजेपी की खासियत है, हमेशा वो इस तरीके के सिचुएशन में कम्युनल गेम ही खेलते थे, तो कम्युनल गेम खेल रहा है। तो इस चीज़ की हमें पूरी तरीके से कंडेम करना होगा, इसकी मुखालिफत करना होगा, क्योंकि इससे देश में और प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। देश का जो एक शांति का जो एक माहौल है ये बर्बाद करने के लिए बीजेपी ये कोशिश कर रहा है। तो हम अपील करते हैं सारे मुल्क के सिटीजन से और सिविल सोसाइटी से कि बीजेपी के जो चाले हैं देश को वापस कम्युनलाइज करने का, इसकी मुखालिफत करें।